एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। बीजेपी और शिवसेना के महागठबंधन के सहयोगी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कुल 38 उम्मीदवारों की ये जो पहली सूची है उसकी घोषणा हुई है। महागठबंधन से एनसीपी अजित पवार गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। पहली सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का नाम शामिल है। एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची की घोषणा की। बीजेपी और शिवसेना के महागठबंधन के सहयोगी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कुल 38 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। महागठबंधन से एनसीपी अजित पवार गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। पहली सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष खुद अजित पवार का नाम। वहीं बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वो। मैदान में अन्य उम्मीदवार छगन भुजबल येवला से, दिलीप कलसे पाटिल अंबेगांव से हैं। पार्टी से हीराबन खोसकर को इगतपुरी और शिल्पा खोटके को अमरावती से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। ये दोनों ही पूर्व कांग्रेस विधायक हैं जो हाल ही में एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए। खोटके को 12 अक्टूबर को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ ही खोसकर 14 अक्टूबर की रात को पार्टी में शामिल हुई हैं। अजित पवार के 38 उम्मीदवारों के ये जो नाम है, ये जो सूची है, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अजित पवार की तरफ से उतारे गए हैं। ये उनकी तरफ से पहली सूची है। इसी बीच अभी अभी हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी का भी की जो सहमति है वो 85 वाले फॉर्मूले पे बन चुकी है। बारामती से अजित पवार खुद, येवला से छगन भुजबल, अंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल, कागल से हसन मुशरीफ, पंडली से धनंजय मुंडे, ढिंडोरी से नरहरी जरवल को टिकट दिया गया है। ये पहली सूची है जो अजित पवार की तरफ से उतारी गई है। 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है महायुति के साथ, यानी महायुति में इस बार अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से एनसीपी अलग हुई है उसके बाद से ये साख की लड़ाई अजित पवार के लिए भी। कुछ और कैंडिडेट्स के नाम है यहाँ, अहेरी धर्मराव बाबा अन्नाम, इसके साथ ही श्रीवर्धन, अदिति तटकरे, अमलनेर से अनिल भाईदास, उदयगीर से संजय बंसोडे, अर्जुनी मोरगांव से राजकुमार बडोले और माजल गांव से प्रकाश दादा सोलंके को टिकट अजित पवार गुट की तरफ से दिया गया है। ये कुछ कैंडिडेट्स के नाम है क्योंकि 38 उम्मीदवारों की घोषणा अजित पवार गुट की तरफ से की गई है। वाई से मकरंद पाटिल, पापी से माणिक राव कोकाटे, खेद आलंदी से दिलीप मोहिते, अहमदनगर शहर संग्राम जगताप, इंदापुर से दत्तात्रेय भराव, अहमदपुर से बाबा साहेब पाटिल को टिकट दिया गया है। 38 उम्मीदवारों की पूरी सूची आपके सामने। इसके साथ ही शाहपुर से दौलत डकैती का नाम है, पिंपरी से अन्ना बंसोड़ का नाम, सूचना से नितिन पवार का नाम है, कोपरगांव से आशुतोष काले का नाम, अकोले से डॉक्टर किरण लाहमटी का नाम है, बसमत से चंद्रकांत उर्फ राजू नवधरे को टिकट दिया गया है अजित गुट की तरफ से। तो ये पूरी सूची है जो अजित पवार की तरफ से उतारी गई है। देखिए, इसके पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। एकनाथ शिंदे कोपरी पचाई खड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सूची में शामिल अन्य उम्मीदवारों में जोगेश्वरी पूर्व से मनीषा रविंद्र वायकर, नांदगांव से सुहास द्वारकानाथ कांडे, छत्रपति संभाजीनगर मध्य से प्रदीप शिवनारायण जायसवाल और नांदेड़ उत्तर से बालाजी देवी दास राव कल्याणकर भी शामिल है। ये पूरी सूची शिंदे गुट की तरफ से दी गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक उठापटक के बीच जो रणनीति है वो बनाई जा रही है क्योंकि महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अब जाहिर है दोनों ही गुट चाहते हैं कि उनकी जीत वहां हो और वो पूरी तरीके से अपनी अस्मिता को बचा कर रखे।